अगर आप ऐसे एक हिल स्टेशन पर जाना चाहते हैं जहां पर बहुत सारे वाटरफॉल्स हो, टॉय ट्रेन हो, हॉर्स राइडिंग हो और 10 से भी ज़्यादा ब्यूटीफुल व्यू पॉइंट्स हो, तो ये सब कुछ आपको वन एंड ओनली माथेरन हिल स्टेशन में मिल जाएंगे। माथेरन जाना जाता है नेचर की सीनिक ब्यूटी और माथेरन की रानी कहे जाने वाली टॉय ट्रेन के लिए। यहाँ के वाटरफॉल्स और चारों ओर फैली हरियाली माथेरन हिल स्टेशन को और भी खास बनाती है। माथेरन में आप कैसे आ सकते हैं, टॉय ट्रेन के टिकट्स के रेट क्या होंगे, ट्रेन का टाइमिंग क्या रहेगा और एक दिन में आप कितने सारे टूरिस्ट पॉइंट कवर कर सकते हैं, कौन कौन सी जगह पर घूम सकते हो और अगर आप हॉर्स राइडिंग करना चाहते हो तो हॉर्स राइडिंग के चार्जेस क्या होंगे, माथेरन में आप एकदम लो बजट में कैसे घूम सकते हैं और यहाँ पर खाने पीने और स्टे करने के लिए होटल्स की रेट तक की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना और ऐसे ही ट्रेवल से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक कर दीजिए। माथेरन आने के लिए आपको नेरल रेलवे स्टेशन आ जाना होगा। मुंबई से नेरल आप लोकल ट्रेन पकड़ के भी आ सकते हैं। नेरल रेलवे स्टेशन माथेरन का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन है और नेरल से माथेरन ओनली 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर ही है। यहाँ से माथेरन के लिए टैक्सी सर्विस भी अवेलेबल है। नेरल रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको टैक्सी स्टैंड दिखाई देगा। यहाँ से आप टैक्सी लेकर नेरल टू माथेरन इजीली आ सकते हैं और टैक्सी के चार्जेस 100 रुपीज पर पर्सन होता है और रास्ते से गुजरते हुए आपको बहुत ही अमेजिंग नज़ारे देखने को मिलेंगे, साथ ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स भी दिखाई देंगे और 20 से 25 मिनट में आप माथेरन पहुंच जाओगे। और अगर आप माथेरन बाय रोड आना चाहते हो तो मुंबई से माथेरन 80 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है और पुणे से 120 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप माथेरन अपनी पर्सनल कार या बाइक लेकर आते हैं तो यहाँ पर बहुत ही बड़ा पार्किंग एरिया बना हुआ है। पार्किंग के चार्जेस 4 व्हीलर के लिए 100 रुपीज है और 2 व्हीलर के लिए 60 रुपीज है। माथेरन में जब आप एंट्री लेते हैं तो एज ए एंट्री टिकट की फी 25 रुपीज चाइल्ड का होता है और 50 रुपीज एडल्ट का चार्ज लिया जाता है। माथेरन जाने के लिए आपके पास में 4 ऑप्शन रहते हैं। अगर आप हॉर्स राइडिंग करके माथेरन जाना चाहते हैं तो हॉर्स राइडिंग का 400 से लेकर 2000 तक का चार्ज लिया जाता है और अगर आप बग्गी से जाना चाहते हैं तो बग्गी के चार्जेस 600 से लेकर 2000 तक होते हैं। पर इनमें से सबसे बेस्ट और कन्वीनियंट ऑप्शन है टॉय ट्रेन से माथेरन जाना। जैसे ही आप यहां से एंट्री लेते हैं आपको ये टॉय ट्रेन का टिकट काउंटर नजर आएगा। यहां से आप टिकट ले सकते हैं। यहीं पर टॉय ट्रेन का टाइमिंग चार्ट भी लगा हुआ है। एवरी 1 आवर में आपको टॉय ट्रेन की फैसिलिटीज मिल जाती है। अगर आप टॉय ट्रेन से जाते हैं तो सेकंड क्लास के लिए 50 रुपीज टॉय ट्रेन के टिकट का चार्ज लिया जाता है और फर्स्ट क्लास के लिए 335 रुपीज का चार्ज होता है। ये टॉय ट्रेन आपको अमन लॉज से बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारे दिखाते हुए 20 मिनट में माथेरन लेकर जाती है। फोर्थ ऑप्शन में अगर आप पैदल ही टॉय ट्रेन के ट्रैक से होते हुए माथेरन जाते हो तो रास्ते में बहुत ही मेस्मराइजिंग व्यू देखने को मिलेंगे, लेकिन आपको 2 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। चलकर जाने में आपको 30 मिनट्स का टाइम लग जाता है और पैदल जाने के लिए यहाँ से पक्का रास्ता भी बना हुआ है। मैं आपको पर्सनली रिकमेंड करूंगा कि आप टॉय ट्रेन से ही जाए। टॉय ट्रेन में आपको बहुत ही ज्यादा मजा आएगा और एकदम सस्ते में टॉय ट्रेन आपको माथेरन लेकर जाएगी। एटलीस्ट आप वापस लौटते टाइम तो टॉय ट्रेन से ही आना। अगर आप माथेरन में स्टे लेने के लिए होटल रूम लेना चाहते हैं तो माथेरन के मेन मार्केट एरिया के आसपास में 400 से लेकर 2000 तक होटल्स मिल जाएंगे और इनमें ब्रेकफास्ट भी इंक्लूड होता है और माथेरन में बहुत सारे रिजोर्ट भी बने हुए हैं, आप इनमें भी अपना स्टे ले सकते हैं। माथेरन मार्केट में खाने पीने के लिए बहुत सारे रेस्टोरेंट्स अवेलेबल है जहाँ से आप ब्रेकफास्ट और लंच डिनर कर सकते हैं और यहाँ पर सभी टाइप के फूड्स इजीली मिल जाएंगे। जब आप टूरिस्ट पॉइंट घूमने के लिए जाते हैं तब आपको रास्ते में बहुत सारे फ्रूट्स के स्नैक्स के स्टॉल नजर आएंगे। ये सब खरीदकर आप अपने ट्रैक को और भी ज्यादा इंजॉय कर पाओगे और मानसून के सीजन में तो रिमझिम बारिश में आप भुट्टा जरूर ट्राई करना, क्योंकि मानसून में भुट्टा खाने का मजा अलग ही लेवल का होता है। सो फाइनली अब हम एक एक करके सभी टूरिस्ट पॉइंट घूमना स्टार्ट करते हैं। माथेरन में 10+ टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं जो कि एक दिन में ट्रेक करके घूम पाना मुश्किल है। अगर आप माथेरन हिल स्टेशन में 1 डे ट्रिप प्लान करते हैं तो हम लोग मेन पॉइंट्स कवर करेंगे। माथेरन में हमारा सबसे पहला पॉइंट है माधव जी पॉइंट, जो मेन मार्केट एरिया के पास में इस गार्डन में लोकेटेड है। यहाँ पर आपको डीप वैली का नजारा देखने को मिलेगा, पर यहाँ पर मॉनसून के टाइम हमेशा ही बहुत ज्यादा फोग होता है तो कुछ दिखाई नहीं देता है, विजिबिलिटी काफी ज्यादा कम होती है, पर जो फोग का व्यू है वो बहुत ही खास है। नेक्स्ट पॉइंट है खंडाला पॉइंट। यहाँ से आपको खंडाला घाट की सह्याद्री माउंटेन रेंज देखने को मिलती है और साथ ही ओपन वैली का ब्यूटीफुल व्यू भी नजर आता है।
ये माथेरन का वन ऑफ द बेस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट माधवजी पॉइंट के पास में ही बना हुआ है और 5 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। खंडाला पॉइंट विजिट करने के बाद आप जैसे ही आगे आओगे, इन दोनों एंट्रेंस में से आपको राइट वाला चूज करना है, क्योंकि इस वाले रास्ते में लाइन वाइज ऑलमोस्ट सभी टूरिस्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे। तो इस वाले रूट में आपको नहीं जाना है, ये बोर्ड लगा हुआ है, इस वाले रूट में ही जाना है। और आप यहाँ से चलकर जैसे ही आओगे, यहाँ पर आपको ये गेट नजर आएगा। इस वाले गेट से होते हुए आपको सीधा चलना है। रास्ते से जाते हुए आपको बहुत सारे ग्रीन स्नेक नजर आएंगे और जंगल देखने को मिलेगा, साथ ही नेचर की ब्यूटी भी देखने को मिलेगी। 10 मिनट कंटिन्यू चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं शार्लेट लेक के पास। यहाँ से लेक का सीनिक व्यू देखने को मिलेगा। इस लेक का पानी यहाँ के लोकल लोग पीने के यूज में लेते हैं। इसी लेक के जस्ट पास में ही बहुत ही अमेजिंग वाटरफॉल दिखेगा। इस वाटरफॉल में आप जाकर अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये वाटरफॉल भी माथेरन में वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस में से एक है और इसी लेक के आसपास में सभी टूरिस्ट पॉइंट बने हुए हैं। इसी रास्ते में ये एक यूनिक सा मंदिर बना हुआ है जो आपको शिमला मनाली की याद दिलाएगा, क्योंकि इस मंदिर का पूरा स्ट्रक्चर लकड़ी का बना हुआ है। आप भी इस मंदिर में जरूर दर्शन करना। मंदिर शार्लेट लेक के वॉकवे के सामने ही लोकेटेड है। ये सीलिया पॉइंट है, यहाँ से भी आपको बहुत ही खास व्यू देखने को मिलेंगे। ये पॉइंट इसी रास्ते में लोकेटेड है, इस पॉइंट को भी आप विजिट करना, पर इस पॉइंट को मॉनसून के टाइम विजिट करना थोड़ा रिस्की हो सकता है, तो आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। ये है लोड पॉइंट। जैसा कि मैंने आपको बताया, ये वाला पॉइंट शार्लेट लेक के बिल्कुल पास में ही बना हुआ है। यहाँ से आपको टाइगर केव, मोरबे डैम, कलावंतीन फोर्ट, लुइजा पॉइंट, आदिवासी विलेज जैसे बहुत सारे पॉइंट्स एक साथ देखने को मिलते हैं। ये है किंग जॉर्ज पॉइंट। यहाँ से आपको ओपन वैली व्यू और वाटरफॉल नजर आते हैं। कभी कभी तेज हवा की वजह से ये वाटरफॉल रिवर्स वाटरफॉल में कन्वर्ट हो जाता है और उल्टा बहने लगता है। ये वाला पॉइंट लेक से 10 मिनट के वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। यहाँ के नजारे काफी ज्यादा ब्यूटीफुल है, तो यहाँ पर आप अपनी फोटोज सेल्फीज क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से हमें क्लाउड भी एकदम क्लियरली दिखाई देते हैं। किंग जॉर्ज पॉइंट विजिट करने के बाद हम आ जाते हैं इको पॉइंट पर। इको पॉइंट माथेरन में आने वाले सभी टूरिस्ट का सबसे फेवरेट पॉइंट है और ये पॉइंट माथेरन की मोस्ट विजिटेड प्लेसेस में से एक है। सबसे ज्यादा टूरिस्ट यहीं पर आते हैं। अगर आप यहाँ से आवाज लगाते हो तो वो आवाज गूंजते हुए रिटर्न आती है, इसीलिए इस जगह को इको पॉइंट नाम दे दिया गया है। यहाँ से भी आपको वॉटरफॉल्स और डीप वैली देखने को मिलेगी। अगर आप माथेरन आते हो तो इस पॉइंट को जरूर विजिट करना। इको पॉइंट घूमने के बाद आप चाहो तो हनीमून पॉइंट भी आ सकते हो। ये कपल्स की फेवरेट प्लेस है, क्योंकि इस पॉइंट का नाम ही हनीमून पॉइंट है और यहाँ से भी आपको बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू देखने को मिलेंगे। पर यह जगह दूर होने की वजह से यहाँ पर कम ही टूरिस्ट आ पाते हैं और इस पॉइंट तक आने के लिए आपको घने जंगलों से गुजर कर आना होता है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है लुइजा पॉइंट। ये माथेरन का सबसे यूनिक पॉइंट है। यहाँ से आपको वॉटरफॉल्स के साथ साथ माथेरन की मेसमराइजिंग ब्यूटी नजर आती है। यहाँ पर चलने वाली ठंडी ठंडी हवा इस पॉइंट को बाकी सबसे खास बनाती है और यहीं से आपको इको पॉइंट, मलंग पॉइंट और किंग जॉर्ज पॉइंट का वॉटरफॉल, ये सभी टूरिस्ट पॉइंट देखने को मिलेंगे। ये सभी एक साथ दिखते हैं तो ये एक यूनिक सी ब्यूटी हमें देखने को मिलती है। और ये पॉइंट इको पॉइंट से 1 घंटे के वॉकिंग डिस्टेंस पर लोकेटेड है, लेकिन लंबा डिस्टेंस होने की वजह से यहाँ पर भी ज्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं। माथेरन में आप एक दिन में एडवर्ड पॉइंट, मायरा पॉइंट, माधवजी पॉइंट, खंडाला पॉइंट, शार्लेट लेक वॉटरफॉल, इको पॉइंट, किंग जॉर्ज पॉइंट, मलंग पॉइंट और लॉर्ड पॉइंट एक दिन में ट्रेक करके घूम सकते हैं। माथेरन हिल स्टेशन घूमने के लिए आपको टैक्सी के थ्रू आने जाने के 200 रुपीज, एंट्री चार्जेस 50 रुपीज, टॉय ट्रेन के टिकट के चार्जेस 50 रुपीज, अगर आप ब्रेकफास्ट करते हैं या स्नैक्स वगैरह लेते हैं तो उसके 100 रुपीज, इन सभी को कैलकुलेट करें तो 400 रुपीज होता है। यानी 400 से 500 रुपीज में आप पूरा माथेरन हिल स्टेशन सस्ते में घूम सकते हैं। इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं।